शहरें छुपाने पर नाहनी केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी वजीर फैसल वाबदा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को भी नोटिस, 24 फरवरी तक जवाब तलब। फैसल वाबदा ने झूठा हल्फनामा जमा कराया, जहांगीर जदौन के दलाइल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में असामियां खाली, उम्मीदवारों के रास्ते तेज। स्पीकर मुश्ताक गनी भी वजीर बनने को तैयार। मुश्ताक गनी वजारत मिलने पर स्पीकर शिप छोड़ देंगे। मैदान से मुंतखब एमपीए अब्दुल इस्लाम आफरीदी का नाम भी जेरे गर्दिश। काबीना में दो खवातीन को भी शामिल किया जाएगा। रमजान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत में पैरागोन हाउसिंग रेफरेंस की समाअत होगी। जेल हुकाम ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को पेश करेंगे। आमदन से जायद असासाजात केस में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट सखर में आज समाअत होगी। नैब और खुर्शीद शाह के वकला पेश होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह 4 माह से नैब के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। पंजाब, बलोचिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तीसरे रोज भी बारिश। बलाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बादल कल भी बरसेंगे। जंग में जेरे तामीर घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जां बहक, मां जख्मी। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -18, बगरोट पारा चनार में -11 रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर भी उर्दू सीखने लगे। कहते हैं लाहौर और कराची के खाने दुनिया भर में मुनफरिद हैं। लाहौर के खानों की वजह से मोटापा शुरू हो रहा है। कराची की बिरयानी खाने का भी मजा आ गया। साठ साल शख्स को खातून से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। डाकू ने खातून बनकर लकी मरवत के शहरी को सखर बुलाया, फिर रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान मांग लिया। पुलिस को डाकू और मखलू की तलाश।